बात जब मानव जाति की होती है तो हम पुरुष और महिला, मेल और फीमेल की तो बात करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं भगवान की एक ऐसी कृति को जो ना तो संपूर्ण तरीके से पुरुष होते हैं और ना ही संपूर्ण महिला। उनका शरीर अगर पुरुषों का होता है तो उनका व्यवहार, उनकी प्रकृति महिलाओं की होती है। हमारा समाज उन्हें हिजरा के नाम से जानता है। उनका जन्मजात शरीर एक तरीके से उनके लिए एक जेल की तरह होता है, क्योंकि उनका मन, उनकी प्रकृति विपरीत सेक्स की होती है। वो अपने जन्मजात शरीर को भुलाकर अपने नेचर के मुताबिक ही रखना पसंद करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार उनका जेनेटिक हार्मोन उनके शरीर की जरूरत के विपरीत होता है। भगवान की कृति कहें या शारीरिक विकृति, लेकिन जो व्यक्ति इससे गुजरता है वही जानता है कि कुदरत के इस अनोखे खेल में आखिरकार हार उसी की होनी है। साउथ अफ्रीका की कैस्टर सेमेन्या के सबसे बेहतरीन रनर थी, बहुत सारे प्राइजेस उसने साउथ अफ्रीका के लिए जीते थे। ऐसे ही प्राइज जीतने के बाद सबसे अच्छे स्वर्ण पदक गोल्डन मेडल जीते थे। उसके बाद एक दिन उसकी जेंडर टेस्ट हुई और जेंडर टेस्ट में मुमकिन हुआ कि 3 times male hormones ज्यादा है, female hormones है, उससे ज्यादा 3 times वो ज्यादा पुरुष है। तो ओलंपिक्स वाले बोलने लगे इसके मेडल्स वापस ले लेंगे। हार इसलिए कि जब वो जवानी की दहलीज पर खड़े होते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनका शरीर, उनके मन और उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है। उनके बोलने का लहजा, व्यवहार का तरीका और सेक्सुअल ओरिएंटेशन बदलने लगता है। तब वो अचानक ही अपने दोस्त, अपने सहपाठी या सहकर्मी और समाज के लोगों के बीच हंसी का पात्र और तानों का निशाना बन जाते हैं। अनकंफर्टेबल तो स्कूलिंग लाइफ से चालू हो जाती है, लोगों की कमेंट। एक्चुअली आई ओनली लेफ्ट इट बिकॉज पीपल वर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल टू वर्क विद मी एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद दैट सिचुएशन बट द पीपल वर नॉट कंफर्टेबल टू वर्क विद मी। देन आई थॉट लाइक ओके फाइन, दिस इज नॉट अ राइट एटमोसफियर टू वर्क। If I'm working for something, I should get fully respect for that. If I'm not getting a respect, then why I should work here? So I left that. ऐसे वक्त में उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है अपने परिवार के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की। लेकिन उन पर दुखों का पहाड़ तो तब टूट पड़ता है जब उन्हें मझधार में अकेला छोड़कर उनका परिवार ही किनारा कर लेता है। I have 2 brothers, 1 sister and my mom and dad are there. So I left my house because they felt that I made them ashamed in front of society. They were like taunting me this and that. And afterwards, I thought like, okay, I controlled myself for 2 years. Fine. It's okay. Today will change, tomorrow will change. Okay, they will accept me. But it was not. It was very hard time to go through that. अलग इसलिए होना पड़ा कि जब मुझे पता चला कि मैं third gender से हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को पहले ऑब्जेक्शन थी कि मेरे अगर हुई बात में थर्ड जेंडर से हूँ और मेरी एक्टिविटीज़ फीमेल की तरह है, तो उन्हें थोड़ा सा अकवर्ड, मतलब गलत, मतलब अजीब सा लगा कि हमारा बच्चा तो नॉर्मल था और अचानक से कैसे ये चेंजेस आ गए। नोबडी वांट्स टू टॉक विद अस, लाइक इफ वी गो टू टॉक विद देम, नो, दे जस्ट टर्न देयर फेस। ओके फाइन, इट वाज लाइक दैट। सक्या भावानी जे ठुकरोल होता आयुष्यात की हाँ बाबा की माझा भाऊ हिजडा आहे, मला लाज वाटती, आज तो पोलीस खात्यात आहे, लाग त्याचं मी नाव नाही सांगू शकत, पण आज तो आज असिस्टंट कमिशनर आहे, पण काय उपयोग आहे, आज तो असिस्टंट कमिशनर आहे पण मला नाही समजू शकलास,
पण एक ना काही नातं लांब असता आज ते माझे भाऊ झाले आणि आज ते हायकोर्टचे ॲडव्होकेट आहेत. याचा खूप मला घमंड आहे की हा माझा भाऊ हायकोर्टचा ॲडव्होकेट आहे. आणि हे गाणं म्हणायची पण गरज नाही भावासाठी लागलं की दादा मला एक छानशी वहिनी आणि एक वहिनीसह भेटली. आखिरकार परिवार से टुकराए जाने के बाद जद्दोजहद शुरू होती है अपने जीवन के एक नए शुरुआत की. कोई भीख मांगने को अपना रोजगार बनाता है तो कोई प्रोस्टिट्यूशन को. एंड आफ्टर दैट आई फेस सो मच ऑफ प्रॉब्लम देन आई स्टार्टेड गोइंग टू बीचेस डांसिंग क्लब एंड आई वाज जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट. लोगों की ये थिंकिंग है ये खाली ये सेक्स वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रेनों में भिक्षावृत्ति कर सकते हैं. थर्ड उनके पास है जो बधाई टोली में जाते हैं, जो दहियारों में रहते हैं, बस ये तीनों ही इनके पास रहती है. तो कोई अपने शिक्षा का, अपने हुनर का इस्तेमाल करके आत्मनिर्भर भी बनता है. आई एम ब्यूटिशियन, मैं ब्यूटिशियन का काम करती हूँ. क्योंकि यूनी सैलून है वो, वहाँ से लेडीज और जेंट्स बहुत आते हैं और वहाँ ज़्यादातर हमको जैसे एक लेडीज़ को देखे जाते हैं उस नज़र से देखते हैं, हम बहुत अच्छे कंफर्टेबल फील करके हमसे वो सब काम करवाया जाता है वहाँ से. नाउ आई एम वर्किंग एज अ फील्ड ऑफिसर एंड बिफोर आई वॉज वर्किंग इन द कॉल सेंटर. नाउ आई एम रिसेंटली आई एम वर्किंग एज अ फील्ड ऑफिसर इन पहचान प्रोजेक्ट. कभी कभी और कहीं कहीं हमारा समाज उनको प्रोफेशनल की तौर पर भी स्वीकार करता है. माझा शिक्षण जर बघितलं तर माझा MBA झालेला आहे. मेरी कंप्लीट हो चुकी है, BE हूं मैं कंप्यूटर साइंस में. लेकिन ज्यादातर जगहों पर उनको ठोकर ही मिलती है. आज आम्ही जरी लघु उद्योग चालू करायचं म्हणलं तर आम्ही लघु उद्योग पण चालू करायला तयार आहे, पण घेणार कोण? आम्ही आता जरी समजा पापड बनवलं, लोणचं बनवलं, पापड बिपड बनवून घेऊन गेलो आम्ही विकायला, तर तुम्ही घेणार का? नाही घेणार. का नाही घेणार? का तर ते एका हिजड्याने बनवलं म्हणून. वी ट्रान्सजेंडर वी हॅव अ क्वालिटी टू लीव, टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, टू बिहेव, अँड इफ यू डोंट गेट द सेम रिस्पेक्ट फ्रॉम अ कम्युनिटी, फ्रॉम अ जनरल कम्युनिटी, ऑब्व्हियसली एनी अ जनरल पर्सन ऑल्सो कॅन बिहेव द सेम थिंग. इफ यू डोंट गेट अ रिस्पेक्ट फ्रॉम अ ऑपोजिट पर्सन, यू विल रिएक्ट टू दॅट द सेम थिंग दॅन हाऊ द जनरल पर्सन इज बिहेविंग. जब ये कहीं अपने लिए प्यार ढूंढना चाहते हैं या नया परिवार बनाना चाहते हैं तब भी ज्यादातर धोखे ही मिलते हैं. प्यार एक शब्द आज लड़कों के लिए एक मजाक हो गया है. क्यों? तो आज जैसे वो सोचते कि हम लड़कियों के फीलिंग्स के साथ खेल के चले जाते हैं, वैसे आज हर कोई लड़का हमारे से प्यार करता है. पर आज कह सकते हो कि आज लड़कों की एक मेंटेलिटी हो गई, इनके पास करोड़ों से पैसे है, किन्नौरों के पास करोड़ों की दौलत है बोल के बोला गया था, पर यह गलत है. किन्नौरों के पास करोड़ों की दौलत दिल से है, प्यार के लिए भूखे है वो. क्या आज उस प्यार के लिए हर कोई तड़पता है, सच्चे प्यार के लिए, पर मिलना मुश्किल होता है. आखिर हमारे राज्य, हमारे गोवा में हिजड़ों की क्या स्थिति है? Sadly, I have to say that Goan community, they doesn't want to accept us. They want to see us, they want to dance, they want to see a dance, they want to see each and everything. They think just we are for entertainment. In Goa is not accepted. If we born with the feminine features, we can't stand and we cannot speak. Okay, mom, don't treat me as a boy, treat me as a girl. We can't say that. Okay, you treating me as a boy, okay, fine, I have to face it. Okay, you're treating me as a boy, I will feel bad. Okay, fine, then I will not tell anything to my mom. कारण क्या है? मराठी के एक प्रख्यात लेखक और साहित्यकार दिनकर जोशी के स्वीकृति अपने आप में एक संपूर्ण कहानी कह देती है. During my 76 years of age, now, कभी बात करने का मौका आज तक नहीं मिला. This is the first time I am getting this opportunity. Thanks to Kripa. हमारे सोसाइटी में आज तक especially never families, हिंदुओं के साथ हमारा संपर्क बच्चा पैदा होता है घर में तब होता है. फिर वो आते हैं, तालियां बजाते हैं, हम निकल जाने के लिए बोलते हैं, फिर 50 रुपया दिया तो 100 मांगते हैं, 100 दिया तो 200 मांगते हैं, फिर 5 रुपया होता है जाते हैं. एक और दूसरा सिग्नल के पास गाड़ी खड़ी है, दरवाजे के पास ले आते हैं, फिर टक 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 करते हैं और हम बोलते जाओ जाओ जाओ. हमारा संविधान देश के हर एक नागरिक को, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार देता है. बट अनफॉर्चुनेटली इन दिस सोसाइटी, इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द वर्थ ऑफ अ पर्सन, the society has now started keeping these people away from the society.
as if they are something different. This is what actually is most unfortunate. Like every other human being, a transgender personality is also a human being. Of course, I came across some literature which says as if they are they don't have any right under the Constitution of India. It's not correct to say that they don't have any right under the Constitution of India. They have all the rights which are available to a human being under the Constitution of India, including Article 14, right to equality, including Article 19, or including Article 21, which is now the repository of almost all rights relatable to human rights, that is Article 21. And a person belonging to third gender is also equally entitled to all such constitutional rights. इसके बावजूद केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कभी भी हिजड़ा कम्युनिटी के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। ना तो कानून में ऐसा प्रावधान किया गया जिससे इन्हें किसी खास कैटेगरी में रखा जा सके। हिजड़ों से जुड़े कुछ मामले न्यायालय के सामने भी आए, लेकिन अदालत ने भी इन्हें महिला श्रेणी में मानने से इनकार कर दिया। belonging to this part of the society to educate themselves and to equip themselves to so that they can earn their living by the normal method. This is where, according to me, to some extent, constitution and to greater extent the lawmakers have failed this this part of the society. The other apart from the lawmakers ignoring this part of the society, what is more unfortunate is that we find the persons whose duty it is to enforce the law, they do not discharge their duty properly, maybe because of some inborn prejudice. And the persons belonging to third gender, these transgenders, they are not treated as human beings by the persons in authority. विचित्र स्थिति तो तब पैदा हुआ जब खेलों में देश को मेडल जिताने वाले खिलाड़ी का नाम ऐसे विवाद में फंसा तो सरकार का रवैया बड़ा ही निराशजनक रहा। ताजा मामला पिंकी परमाणिक का है। एक तीसरी थी शांति सुंदरराजन, जिसने भी सिल्वर मेडल लाया था एशियाड में 2006 में, दोहा में खेली थी भारत के लिए, टॉप रनर थी, एथलेटिक थी। क्या हुआ उसका? उसको भी जेंडर टेस्ट में उसके बाद फेल कर दिया गया और उसको बोला दिया आप आपका मेडल लौटा दो। पता नहीं हमारे भारत में ह्यूमन राइट्स कमीशन है या नहीं, हमारे भारत सरकार ने वो मेडल लौटा दिया। साउथ अफ्रीका की कैस्टर सेमेन्या सबसे बेहतरीन रनर थी, बहुत सारे प्राइजेस उसने साउथ अफ्रीका के लिए जीते। ऐसे ही प्राइस जीतने के बाद सबसे अच्छे स्वर्ण पदक गोल्डन मेडल जीते थे। उसके बाद एक दिन उसकी जेंडर टेस्ट हुई और जेंडर टेस्ट में मुमकिन हुआ कि 3 times मेल हार्मोन्स ज्यादा है, फीमेल हार्मोन्स है उससे ज्यादा, 3 गुना वो ज्यादा पुरुष है। तो ओलंपिक्स वाले बोलने लगे इसके मेडल्स वापस ले लेंगे या इसको ये करने की अधिकार नहीं है। साउथ अफ्रीका उसके पीछे रही, साउथ अफ्रीका ने बोला नहीं आप अगर हमारे साउथ अफ्रीका में नहीं करना चाहते ओलंपिक मत करो, लेकिन इसका कोई गुनाह नहीं है। जब इसने पार्टिसिपेट किया था उसको देखा भगवान ने बनाया।